खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले तोपचांची थाना इलाके में बम विस्फोट की घटना सामने आई है। बता दें कि थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर एक बाइक की डिक्की में बम रखा गया था, जो विस्फोट हो गया। यह घटना तोपचांची चौक के पास हुई है। वहीं बम विस्फोट में बाइक सवार के साथ साथ इलाके में सब्जी बेच रही कई महिलाएं भी घायल हो गई। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां जीरापुर के जाडमऊ में गांव के बाहर ग्राम पंचायत के द्वारा बाईपास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि बिना नोटिस के तोड़े गए मकानों को लेकर सहायक सचिव के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही अभियान के दौरान तोड़े गए शौचालय और पानी के टैंकर से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं SDM को फोन करके मामले की शिकायत की गई है, जिसके बाद उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये हतिक्रमण था, जाने ये राज का था, जाने सरकार का था, मगर तो जन्म की भूमि थी यहाँ, और जन्म की भूमि में रह रहा था, नाप तोल माने करी थी को ये बात थी। नोटिस दिया था क्या आपको? नहीं दिया, नोटिस दिया ना देश दियो नो कोई खेबा आयो। किसने आकर तोड़ा? इसने सरपंच मंत्री ने, सरकार को मेरा पेड़ दिया कहाँ में मिलिट्री में, और एक फिर भी मेरे साथ में सी बीते, आज मुँह बूढ़ी बेरा क्या टकती जाऊँ, कौन है मेरा धनी, मतलब आपको बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ, बाहर जाना पड़ गया, और कहाँ है यहाँ मांगा जाबा भी नहीं दे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र देख लो आप, 70-80 के रहे। क्या है, रास्ता भी चाहिए था बाईपास, गांव में पाइपलाइन को दी है तो साइड से रास्ता निकालना था, और लोग शिकायत भी कर रहे थे हमारी गली में कूटा कचरा डाल रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं, CM हेल्पलाइन की शिकायत थी, पंचायत में भी आवेदन दिया है, उसके तहत वहाँ पर साफ सफाई हो गई है और बाईपास का विकल्प चुन लिया गया। अतिक्रमण तोड़ने से पूर्व उनको नोटिस दिया गया था? दिया गया था, पहले पिछले साल भी, पिछले कार्यकाल में भी हमारे सचिव ने दिए थे उनको नोटिस। खबर कुशीनगर से है, जहां भाजपा के पूर्व प्रवक्ता व वर्तमान में भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक OP मिश्रा को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर परिवार सहित मारने की धमकी दी गई। वही धमकी देने वाला अपने आप लश्करे खालसा ग्रुप का सदस्य बता रहा है। बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भाजपा नेता को BJP छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की बात कहते हुए धमकी दी गई थी। वही भाजपा नेता ने इस धमकी की जानकारी लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया है। पूरे घटनाक्रम में पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 7 तारीख के रात को 1:30 के आसपास एक मैसेज आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको और आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, और उसमें खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद की बात कही गई है। उसके बाद उसमें BJP, RSS, मंत्रीगढ़ और इंडियन आर्मी को निशाने पर लेने की बात कही गई है। उसमें फिर से एक बार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको भी निशाने पर लेने की बात कही गई है। उसके बाद दिन में फिर 1:20 पर वीडियो कॉल आता है, उस वीडियो कॉल में भी जान से मारने की धमकी दी गई है, और व्यक्ति लगातार ये कह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो और कांग्रेस ज्वाइन कर लो, और मिश्रा तुम भाजपा छोड़ो और कांग्रेस ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। इसके बाद तुरंत मैंने हजरतगंज थाने में लिखित कंप्लेन दर्ज किया, वहां मैं थाने खुद गया। लिखित कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस विभाग ने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी मेरी SHO से बात हुई है, उनका कहना है कि FIR दर्ज कर लिया गया है और इस पे आगे की कार्रवाई जारी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर की ग्राम पंचायत टांडा में प्रधान के पति द्वारा ग्राम पंचायत सचिव से मोबाइल पर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोप है प्रधान के करीबियों के नाम आवास सूची में शामिल न होने पर वह भड़क गए। वही सचिव ने मामले की शिकायत खंड विकास अधिकारी से की, जिसके बाद BDO ने रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल प्रधान पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच पड़ताल की जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ टीम और जनपदी SOG टीम को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। बता दें कि पुलिस और SOG टीम ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र में हाल ही में 2 चोरी की घटनाएं हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। वही चोरों के पास से पुलिस ने चोरी का करीब 15 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है।
देखिए, थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम तथा स्वाट की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार शातिर अंतर्राज्यीय चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन चोरों के नाम सचिन, रमेश, राजकुमार तथा गुलजार हैं। ये क्रमशः शाहजहाँपुर, नोएडा तथा मेरठ से संबंधित हैं और इनकी निशानदेही से लगभग 15 लाख का चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 5 बैटरी और 5 स्टेबलाइजर बंडल, फाइबर केबल्स के बंडल मिले हैं। ये मोडस ऑपरेंडी इनकी है कि ये मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करते हैं, वाहनों को जो एकांत में वाहन खड़े रहते हैं उनकी बैटरी चोरी कर लेते हैं, और फाइबर भी जो ये चुराया है इन्होंने मोबाइल टावर से चुराया है। इन्होंने आसपास के कई जनपदों में घटना की है। कुल 11 मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है, जो कि क्रमशः मेरठ, हापुड़, बागपत से संबंधित मुकदमे हैं। बुलंदशहर से भी इन्होंने चोरियाँ कबूली हैं और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। आसपास के अन्य राज्यों में भी इन्होंने चोरी की है। जो अभी तक नोन सदस्य हैं वो हमारी गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ के अनुक्रम में कुछ और नाम आए हैं, जिनको हम विवेचना के अनुक्रम में बाद में गिरफ्तार करेंगे और ऑल मार बरामद करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक महोदय ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। वाराणसी के राजा तालाब स्थानीय थाना पुलिस को निवासी गांव कचनार ने तहरीर दी है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के प्रधान उर्मिला देवी और पड़ोसी दबंग सतीश कुमार राय उर्फ निक्कू राय ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर 4 दीवारें तोड़ दी और फरार हो गए। फिलहाल थाना राजा तालाब की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां निकाय चुनाव से पहले कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी श्लोक कुमार जनपद के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने हिस्ट्री सीटर व टॉप 10 जिला बदर अपराधियों पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों ने महिला अपराध को लेकर भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। वही खबर सोनभद्र से है, जहां घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बेलवनिया गांव में घर से शौच के लिए बाहर गई महिला पर एक युवक ने धारदार हथियार से गले पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजनों द्वारा घायल महिला को सीएचसी घेरावल में ले गए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला की हालत नाजुक देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गई रहनी लेटरिन में, हाँ, और तनी सिवाने में गई रहनी, हाँ, और एक पुल भाई अलग कैसे का हुआ मारे बापू, हाँ, काट देला, हाँ, से काट के फेंक देला ना सर के होश भल तो है नहीं। अच्छा, रात के मार दे, हाँ, 3 बजे इसमें धीरेन्द्र कुमार पुत्र पन्नालाल कोल ने सूचना दी थी कि उसकी चाची के साथ में ये घटना हुई है, पर ये घटना जो है पीपल के पेड़ के नीचे ना होकर घर की पाई मिली है। जी। घर पे ही चारपाई पे टूटी हुई चूड़ियां और ब्लड मिला है। जी। इसके परिप्रेक्ष्य में जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसमें जो ये गुड्डी नाम की महिला है जगदीश की, जी, इसका कुछ संबंध था मनोज पुत्र सुरेश से, और इन दोनों के घर गांव में आमने सामने हैं। जी जी। तो इसी संबंधों को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ है, तो ये लड़ाई पति पत्नी का था, हाँ जी, या पत्नी को अवैध स्थिति में देखा है, तो इसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, उसी में ये कुछ चोटें आई हैं। हो सकता है मनोज के द्वारा कारित हुई हो या उसके द्वारा कारित हुई, अभी इलाज के लिए यहाँ से लोड़ी रेफर हुई है, लोड़ी से ट्रॉमा सेंटर पहुँच गई है, पर खतरे से की स्थिति से बाहर है। तो मुकदमा इसका पंजीकृत है, घोरावल थाने में। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां थाना जानसठ पुलिस व एसओजी के संयुक्त टीम द्वारा मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल टावरों से चोरी की गई लगभग 11 बैटरियां बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने अवैध शस्त्र भी बरामद किया है। वहीं पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। विगत कुछ दिनों से जनपद में और आसपास के जनपदों में और उत्तराखंड में जियो के टावर से लगातार बैटरी चोरी होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना जानसठ की और एसओजी की टीम को मिलाकर के एक टीम गठित की थी। उस टीम ने कल प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुछ बैटरी चोरों को पकड़ा और विस्तृत पूछताछ की।
पूछताछ के बाद ये संज्ञान में आया कि करीब 6 लड़के इस घटना में शामिल हैं और 6 मिल करके इस घटना को कारित कर रहे थे। इनका कार्य क्षेत्र रुड़की, मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा इत्यादि में था और लगातार चोरी की घटनाएं ये कर रहे थे। इनसे 11 जो बैटरियां चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं, कार बरामद की गई है जो कार ये यूज़ कर रहे थे, भारी मात्रा में इनसे जो काटने के उपकरण, तमंचे का कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। और ये चोर जो थे वो लगातार चोरी की घटना कारित कर रहे थे। इनका कार्यक्षेत्र संभवतः पंजाब भी है, जिसके बारे में इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है।